हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हमको इतना पोर्शन छोड़ देना है, इधर से ऐसे कट लगाना है दोनों साइड से, इधर से और इधर से। तो अभी हमको क्या करना है, इधर कट लगाने के लिए दोनों कपड़े को इस तरह से खींचना है, इस तरह से पकड़ना है और उसको पुल करना है, ऐसे खींचना है। सिर्फ अंदर के कपड़े पे हमको कट लगाना, बाहर कट नहीं आना चाहिए। सिर्फ अंदर इस तरह से खींच के सिर्फ अंदर के कपड़े पे एक कट लगा देंगे। देखिए, बाहर कट नहीं आया है। सेम वे से इधर भी कट लगा देंगे। अब इसमें इलास्टिक डालना है, तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इलास्टिक ले सकते हो और एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को अंदर डाल देना है। अभी हमको फिर से दोनों इलास्टिक के ऊपर सेफ्टी पिन को लगा देना है ताकि वो अंदर ना जाए, और इस तरह से खींचते हुए उसके गैदर को सही कर लेना है। अभी सेफ्टी पिन को निकाल के, एक तो ये ऐसा है कि आप छोटा सा कट दे दें ऐसे बीच में इलास्टिक के, आप उसको एडजस्टेबल बना सकते हो। देखिए, इस तरह से छोटा सा कट देना, एकदम मिडिल में देना, बीच में। और इधर एक ऐसे बटन टाक दो आप, और इस तरह से आप इसको एडजस्टेबल बना सकते हो। ऐसे आप दो तीन कट लगा सकते हो इलास्टिक के ऊपर, थोड़ी थोड़ी दूर पे आप लगा सकते हो ऐसे। मैं यहां पे ऐसे ही लगा रही हूं इसको। ये जो आगे का है गैप, उसके अंदर इस तरह से अंदर डाल देंगे, पूरा अंदर डाल देना इलास्टिक को इस तरह से। अभी देखिए, इसके ऊपर आप मशीन स्टिच भी दे सकते हो, आप मशीन से सिलाई कर सकते हो। मैं यहां हाथ से कर रही हूं, लेकिन हाथ से करने के टाइम पे भी आपको इलास्टिक को लेते हुए, आपको देखिए इस तरह से मैं दोनों कपड़े को, उधर के भी और इलास्टिक को भी, बीच में मैं लेते हुए सिलाई कर रही हूं। और आपको ऐसा सिलाई करना है ताकि आपकी स्टिच बाहर की साइड नहीं दिखनी चाहिए, अंदर की ही कपड़े से लेके इलास्टिक के ऊपर लेते हुए हमको सिलाई करना है। या तो आप मशीन से कर दो, तो मशीन में बाहर भी आती है सिलाई। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए, हमारी सिलाई हो गई हो, और बाहर से देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। सेम वैसे आप पीछे भी सिर्फ लगा सकते हो, इतने पोर्शन पे आप इलास्टिक लगा सकते हो।